हंगर के टाइम अगर हमारा मन फास्ट फूड की तरफ जाता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है, वो है डोमिनोज का पिज्ज़ा, जिसे हम हर खुशी के मौके पर याद करते हैं, चाहे किसी की बर्थडे पार्टी हो या ऑफिस का छोटा सा लंच ब्रेक। आज डोमिनोज 3 मिलियन से भी ज़्यादा पिज्ज़ाज की डिलीवरी करते हैं। क्या आपको पता है आज करोड़ों में खेलने वाली इस कंपनी के मालिक टॉम मनागन ने इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ $15 यानी 1229 रुपए से करी थी। चलिए जानते हैं डोमिनोज के सफलता की गाथा और इसके बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में। लेट्स बिगिन। 25 मार्च 1937 में टॉम मनागन का जन्म हुआ था। जब टॉम की उम्र 4 साल की थी तभी उनके पापा की डेथ हो गई और फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत ख़राब थी, इसलिए माँ को दोनों भाइयों का पालन पोषण करना पॉसिबल नहीं लगा, तो उनकी माँ ने दोनों को अनाथालय भेज दिया। अनाथालय में दोनों भाई अपनी माँ का बेसब्री से इंतज़ार करते रहे, बट 7 साल बाद उसकी माँ ने उन्हें फिर से अडॉप्ट कर लिया जब वो एक नर्स बन गई। पर घर में झगड़े होने के कारण माँ ने फिर से हार मानकर अपने दोनों बच्चों को वापिस से अनाथालय भेज दिया, जो एक क्रिश्चियन सेमिनरी थी। बट वहाँ पर एक डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से टॉम को बाहर निकाला गया। फिर से टॉम की माँ ने उनसे हार मानकर उन्हें एक जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होम भेज दिया और वहाँ पे उनके अंकल आंटी ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला और अपने घर ले गए, जहाँ पे टॉम ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने मरीज ज्वाइन कर ली, जहाँ उन्हें बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ी। टॉम का मानना था कि बॉडी के साथ साथ दिमाग को भी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, तो उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जो उन्हें हर सिचुएशन को बिना झुके फेस करने की ताकत देते थे। 1959 में उन्हें मरीन से ऑनरेबल डिस्चार्ज मिला और कुछ पैसे भी मिले, बट यहाँ पर टॉम पैसे मल्टीप्लाई करने की एक झूठी स्कीम में फंस गए और सारा पैसा बर्बाद। जैसे तैसे मैनेज करके टॉम अपने भाई जेम्स के पास गए और वहाँ से टॉम की किस्मत ही पलट गई, क्योंकि दोनों भाइयों ने मिलकर वाईपी सिलांटी मिशिगन के डोमिनिक्स पिज्ज़ा शॉप को लोन लेकर खरीदा, बट बाद में जेम्स ने टॉम का साथ छोड़ दिया। टॉम ने इस शॉप में बहुत सारी मेहनत करी और धीरे धीरे बिजनेस को आगे बढ़ाया। आज डोमिनोज इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल फास्ट फूड चैन बन चुका है। चलिए जानते हैं इसके बिजनेस स्ट्रेटेजी का राज। जून 1996 में डोमिनोज का पहला स्टोर इंडिया में खोला और आज भारत के 282 सिटीज में डोमिनोज के 1300 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। डोमिनोज ने मार्केट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करी जो होती तो है मगर हमें दिखाई नहीं देती। द पावर ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि मनुष्य की 5 तरह की आवश्यकताएँ होती है। सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो हमारी रोटी कपड़ा और मकान है। दूसरी चीज़ है सेफ्टी एंड हमारी सिक्योरिटी, जिसमें हमारी फैमिली, इनकम, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, जिसके अंदर हमारी फ्रेंडशिप एंड सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। और उसके बाद सेल्फ इस्टीम, सेल्फ इस्टीम के अंदर इंसान अपनी अचीवमेंट एंड अपनी रिस्पेक्ट चाहता है सोसाइटी से। इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें इंसान खुद को आइडेंटिफाई करता है। इंसान अपनी दूसरी नीड पर तब जंप करता है जब उसकी पहली नीड फुलफिल होती है। डोमिनोज ने मार्केट के अंदर यही चीज़ आइडेंटिफाई करी है, क्योंकि जब इंसान को भूख लगती है तो उसकी सबसे पहली नीड हंगर को मिटाने की जल्द से जल्द कोशिश करते हैं। इसलिए डोमिनोज ने अपना फोकस इंस्टेंट डिलीवरी पर किया, क्योंकि ये किसी पर्सन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अर्जेंट नीड होती है। आज के डेट में देखा जाए तो डिलीवरी तो सारे रेस्टोरेंट्स करते हैं, तो फिर ये 30 मिनट की गारंटी सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज ही क्यों दे पाता है? 30 मिनट के अंदर डिलीवरी करने के लिए डोमिनोज ने 2 चीज़ें करी। फर्स्ट, आउटलेट क्लस्टरिंग। डोमिनोज के आउटलेट ऐसे रैंडमली ही नहीं खोले जाते, यहाँ कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांगली एनालाइज की जाती है। पहली चीज़ है डिस्पोजेबल इनकम, जहाँ पर उन्हें अपना रेस्टोरेंट खड़ा करना होता है, वहाँ से 3 से 5 किलोमीटर पे जो लोग रहते हैं उनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, यानी कि वहाँ की कम्युनिटी के पास पिज्ज़ा खाने के लिए पैसा है भी या नहीं। लोगों के पास अगर पैसा होगा तभी तो वो पिज्ज़ा खा पाएंगे।
वरना पिज्जा का रेस्टोरेंट खोलने का क्या ही मतलब है। दूसरी चीज है रूट लोड। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज हर एक रूट पे कितना ट्रैफिक होता है। ज़्यादा ट्रैफिक रहने पे शॉर्टकट रूट निकाले जाते हैं जिससे 30 मिनट के अंदर डिलीवरी पॉसिबल हो। तो ये थी डोमिनोज पिज्ज़ा और टॉम मोनेगन की छोटी सी कहानी।